हेलो गाइस, चलिए तो आज है संडे, है ना। शाम को बज चुके हैं 5 और मैंने क्या बोला था आपसे, करंट अफेयर्स के बारे में बोला था। मैंने बोला था पूरा 1 साल करंट अफेयर्स आपको कराऊंगा, तो अभी वही चल रहा था, उसी में टाइम बिजी था। जो करंट अफेयर्स क्लास अभी नहीं हो रही थी उसी में पूरा बिजी था कि मैं काम करता हूँ, मंथली कर लेता हूँ फटाफट, क्योंकि डेली में थोड़ा सा टाइम भी लग रहा था और डेली आपको देखना ही पड़ रहा था। तो मेरा ऐसा प्लान था कि एक ऐसा वीडियो बनाऊँ जिसमें आपको एक बार में ही सब कुछ सारा कवर का कवर हो जाए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर बताता हूँ पहले कि क्या है ये जो क्लास है। हम क्या करेंगे, जनवरी से लेकर के कब से, 1 मिनट, हम लोग पर मिनट कट क्यों रहा है, 1 मिनट ना कट रहा है। हम लोग क्या करेंगे, जनवरी से लेकर के, ठीक है, ये ठीक है, जनवरी 2019 से लेकर के अभी तक का पूरा करंट अफेयर्स फिनिश करेंगे। जैसे कोई भी एग्जाम है, जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, ऐसे हम करते चलेंगे, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं, जनवरी 2019 का 150 इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स करेंगे, 150 इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स। मतलब जनवरी 2019 में कितनी इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं, वन लाइन के फॉर्मेट हम उसको कंप्लीट करेंगे। कितनी, 150 वन लाइनर्स काफी होता है। 150 लाइंस अगर आपने कवर कर लिया जनवरी का, तो अगर मान लीजिए जनवरी से लेकर के दिसंबर तक ये कितना हो जाएगा आपका, 150 × 12, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 1800 लाइंस, है ना, 1800 लाइंस के आसपास हो जाता है। कितना, 1800 लाइंस हो जाता है, पूरा 1800 लाइंस का आपका नोट्स तैयार हो जाएगा 1 महीने का, 1 साल का। करंट जो पीडीएफ है ये सेम पीडीएफ एज इट इज पीडीएफ कहाँ दूंगा, टेलीग्राम में, अभी क्लास होने के बाद में आधे घंटे के अंदर पीडीएफ जो है टेलीग्राम में डाल दूंगा। टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करोगे आप लोग, तो टेलीग्राम ज्वाइन करने का तरीका ये है कि एक काम पहले तो ये कीजिएगा कि वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में, वीडियो के नीचे ठीक है कमेंट, पहला कमेंट कर दूंगा वहां पर टेलीग्राम के लिंक डाल दूंगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो आप टेलीग्राम में पहुंच जाओगे। इसके लिए आपके मोबाइल में टेलीग्राम होना चाहिए, जैसे व्हाट्सअप होता है वैसे आपके मोबाइल में टेलीग्राम इसका होना चाहिए। व्हाट, प्ले स्टोर में जाकर के टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर भी नहीं समझ आता था काम करना, प्ले स्टोर में जाना, प्ले स्टोर होता है जहाँ से व्हाट्सअप डाउनलोड करते हो, टेलीग्राम डाउनलोड करना, मोबाइल नंबर डालोगे, ओटीपी आएगी, सेट कर लेना, अपनी आईडी बन जाएगी आपकी। उसके बाद में सर्च में आएगा संदीप सर जी के ऑफिशियल, क्या डालोगे, ऐसे डालना क्योंकि रीजन है बच्चे पीडीएफ मिल नहीं रही बच्चों को, संदीप सर जी के ऑफिशियल ये डालना आप। जब ये डालोगे तो संदीप सर जी के ऑफिशियल डालोगे तो एक, कई फर्जी लोगों ने भी मेरे नाम का ग्रुप बना लिया जो गलत है, 94,000 लोग हैं मेरे वाले ग्रुप में, बाकी सब में 2-3-4 हैं जो फर्जी वाले हैं, जो मेरा ओरिजिनल है इसमें 94,000 लोग हैं। यहाँ पर जाकर ज्वाइन हो जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिलेगी, एक भी सिंगल फूटी कौड़ी नहीं लेगी, ठीक है। चलिए एक तो ये हो गया, ये आज की जो क्लास किसके किसके लिए है, NTPC ग्रुप डी का जो एग्जाम होगा, SSC CGL CPO जितने भी एग्जाम्स होंगे, UP का SI कांस्टेबल वाला एग्जाम, बिहार का SI कांस्टेबल एग्जाम, राजस्थान, हरियाणा, MP PCS UP PCS सारे करंट अफेयर्स आपका सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो सारे लोग हाँ कर दीजिए, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, अगर मजा आए तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। क्या हुआ, बहुत सुंदर, चलिए स्टार्ट करें क्लास को, वेरी गुड। देखिए पहला स्लाइड देखिएगा, फर्स्ट स्लाइड आपकी क्या है, फर्स्ट स्लाइड आपकी है जी लीजिए। अच्छा एक और चीज बता दूं मैं, आज मैंने टेलीग्राम में एक पीडीएफ डाली थी 25-30 क्वेश्चंस की, बच्चे बोले अच्छी लगी, अगर अच्छी लगे तो बता देना, ऐसे ही 10-10, 15-15 क्वेश्चन की पीडीएफ डालता जाऊंगा जीके के, मैं आप लोगों के लिए बना बना के डालता जाऊंगा, अगर पसंद आई हो तो बता देना। चलिए पहला लाइन क्या लिखी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जनवरी 2019 की बात चल रही है, प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, पहला लाइन है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी मतलब नरेंद्र मोदी जी ने पंजाब के जालंधर में भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2019 का उद्घाटन किया और इसका थीम क्या था, फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पहला जी के लाइन हो गया, पहला करंट अफेयर्स लाइन क्या हो गया कि आदरणीय जो प्रधानमंत्री जी हैं वर्तमान के, पूरा 150 लाइन से टाइम लगेगा इसमें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड इंडियन साइंस कांग्रेस 2019 कहां पर किया, पंजाब में किया है, जालंधर में, पूछ सकता है इंडियन साइंस कांग्रेस 2019 कहाँ हुआ, जालंधर में हुआ, किसने लॉन्च किया, प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया और थीम क्या था इसका, फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तीन का लाइंस हो गई, पूछ सकता है। अगला क्या लिखा है कि भारतीय दंड संहिता IPC इंडियन पिनल कोड धारा 354A के तहत दिल्ली हाईकोर्ट ने अनुमति दी है कि ट्रांसजेंडर यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है,
पूछ सकता है। जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं इसमें एलजीबीटी का कॉन्सेप्ट लगता है, एलजीबीटी में ट्रांसजेंडर लास्ट वाला जो टी है ये होता है LGBT, है ना। एल मतलब होता है लेस्बियन, जी मतलब होता है गे, बी मतलब होता है बाइसेक्सुअल, टी मतलब होता है ट्रांसजेंडर। अब इसको मैं थोड़ा और डीप में समझाऊं तो अब हो सकता है कि आपको थोड़ा शर्म आया, हंसी आए। एल मतलब लेस्बियन, लेस्बियन मतलब जो लड़कियां, जिनको लड़कियों में इंटरेस्ट होता है, लड़कियां लड़कियां इंटरेस्ट होता है ना, वो लड़कियों के साथ में ही रिलेशन में रहते हैं। जी मतलब गे, जो लड़के होते हैं, कुछ ऐसे लड़के होते हैं जिनके अंदर थोड़ा सा लड़कियों वाली फीलिंग होती है, और उनका जो लड़कों का इंट्रैक्शन होता है, वो जो अट्रैक्शन होता है वो लड़कियों के लिए ना होकर के लड़कों के लिए होता है। ये रिलेशनशिप में क्या कैसे होते हैं, लड़कों के साथ रहते हैं, ठीक है। बी मतलब बाइसेक्सुअल, ये लड़के लड़कियों दोनों के साथ में रिलेशन में रहते हैं। और टी मतलब ट्रांसजेंडर्स, ऐसा आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसके लिए आर्टिकल 354A के तहत दिल्ली हाईकोर्ट ने अनुमति दी कि ट्रांसजेंडर यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। डन, चलिए नेक्स्ट। शेख हसीना है सिक्योर्ड हर थर्ड कंजिक्यूटिव टर्म एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। जो शेख हसीना है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार उन्होंने शपथ ली है। ये जनवरी की बात चल रही है, ठीक है। चलिए अगली लाइन क्या है, अगली लाइन है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने वाराणसी में 6वें अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड 6th इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। और एक और चीज़ बोल देता हूँ बेटा, अगर इस क्लास को सपोर्ट करोगे, अगर मजा आएगा आपको तो आप बता देना, ऐसे ही ढेर सारी क्लास आएंगी फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, जनवरी से लेकर के नवंबर तक पूरा फिनिश कर देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर हम पीछे भागेंगे, फिर जनवरी के क्वेश्चन आंसर कराऊंगा 50-100 क्वेश्चन, फिर फरवरी के 50-100 क्वेश्चन, फिर मार्च के, तो कुछ भी नहीं छूटेगा। अब आपके ऊपर कैसे सपोर्ट करते हो आप, ठीक है। चल, और कोई पैसा नहीं लग रहा, फ्री में है। ये चार लाइंस हो गई, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। अगला है कि वेटरन एक्टर राइटर कादर खान पास्ड अवे एट द एज ऑफ 81 की एज की उम्र में। जो कादर खान हैं इनका निधन हो गया। कादर खान बहुत फेमस एक्टर हैं, इनकी जोड़ी गोविंदा के साथ बड़ी फेमस थी। गोविंदा कादर खान और जो शक्ति कपूर का कॉम्बिनेशन हुआ करता था, बहुत ही महान शख्सियत थे कादर खान साहब, और ये डायलॉग लिखते भी थे, इनके लिखे हुए डायलॉग बहुत ज़्यादा फेमस हैं, ठीक है। वो है ना कि अनहोनी को होनी कर दे, उसका नाम एंथोनी, याद है हमारा कवर एंथोनी का, इनके डायलॉग बहुत फेमस हैं। अगला आता है कि TB राधाकृष्णन ने तेलंगाना हाईकोर्ट के पहले चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली। इसका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, सॉरी, चीफ जस्टिस ऑफ जो तेलंगाना है, तो हाईकोर्ट कब बना, 1 जनवरी 2019 को। तीन चार चीज हो गई। पहला, तेलंगाना अलग राज्य बन चुका है, ठीक है। तेलंगाना का हाईकोर्ट कब बना है, 1 जनवरी 2019 को बना है। और पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना किसको बनाया गया है, टीबी राधा कृष्णन को बनाया गया है। डन, चलिए अगला आता है, अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के MD और CEO के रूप में कारभार संभालेंगे। ये सब जनवरी की बातें हैं। चलिए नेक्स्ट था कि अनिंदा में ओगी अनाम को दुनिया भर से नृत्य को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अनिंदा ने ओगी अनाम विल बी हॉनर्ड विद द नेशनल नृत्य शिरोमणि अवार्ड फॉर प्रमोटिंग द डांस फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। डन, चार लाइन्स हो गई, चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। चलिए नेक्स्ट, ये लीजिए, PDF टेलीग्राम में मिल जाएगी, चिंता मत करना। ऋषभ पंत बिकेम द फर्स्ट कीपर ऑफ कंट्री टू कंप्लीट 20 कैचेस इन अ टेस्ट सीरीज इन बॉक्सिंग डे टेस्ट, है ना। बॉक्सिंग डे टेस्ट में, एक टेस्ट सीरीज में 20 कैच पूरे करने वाले ऋषभ पंत देश के पहले विकेट कीपर बन गए हैं। ऋषभ पंत विकेट कीपर हैं, जैसे कि पहले महेंद्र सिंह धोनी हुआ करते थे विकेट कीपर, अब धीरे धीरे वो थोड़ा मैच खेलना बंद कर रहे हैं, तो अब धीरे धीरे ऋषभ पंत की एंट्री हो रही है टीम में, है ना। बाएं हाथ के बल्लेबाज, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। जिनको क्रिकेट में इंटरेस्ट होगा वो जानते होंगे, जिनको नहीं भी इंटरेस्ट है फिर भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि नाम पूछता है। अगला, स्मृति मंधाना ने ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड, उन्हें वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर और वर्ष का सर्वश्रेष्ठ ICC एक दिवसीय खिलाड़ी का रचेल ही है फ्लिंट पुरस्कार दिया गया है। स्मृति मंधाना महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी हैं, और जो महिला क्रिकेट टीम में इस टाइम पर कितने क्रिकेटर्स हैं उनका नाम आपको याद होना चाहिए। ये क्लास मैंने लाई है, अगर आप इसको सपोर्ट करोगे तो फरवरी वाला भी दे दूंगा, मार्च वाला भी दे दूंगा, फ्री में इतना दे पाऊंगा बाबू, सीधी बात है, है ना। अगर आप फ्री की कदर नहीं करोगे तो मुझे बता देना, कहे कि पैसा लूँगा, मैं सैटरडे संडे आराम करूँगा, मंडे फ्राइडे क्लास लूँगा, ठीक है। अगर मैं आज क्लास लेके आया हूँ तो मेहनत करके PPT बनाई है, सिर्फ आप लोगों के लिए बनाई कि आप पढ़ो, बेस्ट से बेस्ट आपको दे पाऊँ, ठीक है। चलिए, यही चीज़ अभी 1000-2000 कोर्स लेके लॉन्च करके बेच देता तो लोग लेते हैं भाई साहब, लोग लेते हैं, लोग बेचते हैं, ऐसे ही लोग बेच रहे हैं और हजारों लाखों कमा रहे हैं। नेक्स्ट, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष भारत सरकार के पदेन मुख्य सचिव किसे बनाया गया है, विनोद कुमार यादव को, रेलवे बोर्ड का चेयरमैन। डन, चलिए नेक्स्ट, ये लीजिए, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में उज्ज्वला स्वच्छता नेपोकिन पहल की शुरुआत की है। यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च्ड द उज्ज्वला सैनिटरी नैपकिन इनिशिएटिव इन भुवनेश्वर उड़ीसा। पूछ सकता है,
कहाँ पर किया गया है? उड़ीसा भुवनेश्वर में किया गया है। किसने किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं। स्कीम का नाम क्या है? स्कीम का नाम है आपका क्या? उज्ज्वला सैनिटरी नैपकिन। डन। नेक्स्ट, ब्राजील का नया राष्ट्रपति कौन बन गया है? जायर बोल्सोनारो। जायर बोल्सोनारो ब्राजील के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, ये सारे के सारे जनवरी के करंट अफेयर्स हैं। नेक्स्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा बिकेम द कंट्रीज थर्ड लार्जेस्ट बैंक आफ्टर मर्जर ऑफ देना बैंक एंड विजया बैंक। जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, इसका देना बैंक और विजया बैंक को इसमें शामिल कर दिया गया है और इस टाइम पे अब ये थर्ड लार्जेस्ट बैंक बन गया है हिंदुस्तान का। जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, इसमें विजया बैंक और देना बैंक को शामिल कर दिया गया है, हिंदुस्तान का थर्ड लार्जेस्ट बैंक बन गया है। डन। चलिए, नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में स्वीडन पहले स्थान पे है, CCPI। जो बच्चे मेरी डेली क्लास देखते हैं तो मैंने याद करो इंडेक्स करवाया था, इस इंडेक्स में जो इंडेक्स था ये आपका क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स था, इसमें मैंने इंडिया की रैंकिंग भी करा दी थी आप लोगों को और पहले रैंकिंग में कौन कौन है वो भी करा दिया था। एक वीडियो लेकर आया था 8-10 मिनट का जिसमें सारी की सारी रैंकिंग करा दी थी, तो वो आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट ये लीजिए, मनोज दास एक विपुल लेखक को साहित्य में लाइफटाइम अचीवमेंट के लिए काबी सम्राट उपेंद्र भांजा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। मनोज दास अ प्रोलिफिक राइटर रिसीव्ड द काबी सम्राट उपेंद्र भांजा नेशनल अवार्ड फॉर लाइफटाइम अचीवमेंट इन लिटरेचर। पूछ सकता है मनोज दास किससे रिलेटेड है? लिटरेचर से रिलेटेड, उनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट, क्रिकेट कोच रामाकांत आचरेकर का निधन हो गया है। ये सचिन तेंदुलकर के क्या थे? गुरु थे रामाकांत साहब, है ना, और इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार भी पहले दिया गया था। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट, यूनियन होम मिनिस्टर अप्रूव्ड द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट्स प्रपोजल टू रीनेम अलाहाबाद एज प्रयागराज। आपको मालूम है अलाहाबाद का जो नाम है वो प्रयागराज कर दिया गया है, जनवरी में ही किया गया था। जीके क्वेश्चन भी बन जाता है, करंट अफेयर्स बनता है। अगला, न्यायमूर्ति आसिफ सईद खोसा को पाकिस्तान का नया चीफ जस्टिस बनाया गया, जनवरी में बनाया गया था। पूछ सकता है, क्योंकि बात ये नहीं कि पाकिस्तान की है, बात यह है कि पाकिस्तान का चीफ जस्टिस है, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, तो याद रखिएगा आसिफ सईद खोसा। डन। चलिए, नेक्स्ट ये लिए, कर्नाटक के कैगा परमाणु ऊर्जा स्टेशन ने 962 दिनों तक सबसे लंबे समय तक निर्बाध संचालन के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया है, है ना, कर्नाटक का कैगा एटॉमिक पावर स्टेशन। पूछ सकता है कैगा एटॉमिक पावर स्टेशन कहां पर है? आप बोलोगे कर्नाटक में है। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है, कैगा एटॉमिक जो पावर स्टेशन कहां पे है? कर्नाटक में है, और इसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। क्या आपका ये है? लॉन्गेस्ट अनइंटरप्रेटेड ऑपरेशन फॉर 962 डेज, 962 दिन तक बिना इंटरप्ट किए हुए कंटिन्यू काम करता रहा। नेक्स्ट, ग्लोबल हेल्थ केयर समिट 2019 का 13वां संस्करण हैदराबाद में हुआ। पूछ सकता है कि जो ग्लोबल हेल्थ केयर समिट है ये 13 नंबर की हुई थी इस बार, कहाँ पर हुई थी? हैदराबाद में हुई थी, जनवरी में हुई थी। डेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा। नेक्स्ट, सुधीर भार्गव को नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, CIC, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर सुधीर भार्गव। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट आता है क्या, अरुणिमा सिन्हा बिकम्स वर्ल्ड फर्स्ट फीमेल जो कि स्केल अंटार्कटिका हाईएस्ट पीक। जो अरुणिमा सिन्हा है, जिनके ऊपर मैंने एक दिन वीडियो बनाया था, मोटिवेशन वाला वीडियो अरुणिमा सिन्हा के ऊपर बनाया था मैंने, फिर आप लोगों का रिस्पांस बाकी वीडियोस में नहीं आया, फिर मैंने बंद कर दिया मोटिवेशन वाला। तब आता है, मान लीजिए वीडियो बनाने में जब बच्चे देखते हैं, बच्चे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि फ्री में ना तो पैसा अगर ले रहा हूँ तो क्या दिक्कत है, 50 लोगों से पैसा लिया 10 लाख रुपये आ गया, बात खत्म हो गई। लेकिन जब फ्री में इंसान देता है तो सिर्फ एक उम्मीद रखता है क्या, ना तो मैं ये उम्मीद रखता कि आप मुझे पैसे दो, मैं सिर्फ एक उम्मीद रखता हूँ कि आप वीडियो देखिए, वीडियो शेयर कीजिए। जब मैं डाटा चेक करूँ अपने YouTube चैनल में जाके शेयरिंग का, तो मुझे दिखे कि यार एक वीडियो को 50,000 लोगों ने देखा है और 20,000 लोगों ने शेयर किया है। अब देखता हूँ 5-10 लोगों ने शेयर किया, फिर मोटिवेशनल छोड़ो यार, आराम करते हैं, बाकी लोग भी तो पैसे कमा रहे हैं, अपने भी पैसे कमाते हैं, गिनी चुनी क्लास यहाँ लेते हैं, बाकी क्लास दूसरी जगह लेके पैसे कमाते हैं, लोग कर रहे हैं हम भी करेंगे, क्या करें भाई, जब आप फ्री में सपोर्ट कर नहीं रहे हैं तो यही करना पड़ेगा मजबूरी में, है कि नहीं। अगर आपको मज़ा पैसे में ही आ रहा है कि नहीं, बिना पैसे के लेंगे ही नहीं हम, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, अगला है कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में महिला स्वयं सहायता समूह के लिए 3 लाख रुपए तक के ब्याज मुक्त ऋण की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट ये लीजिए, आंध्र प्रदेश एशिया प्रतिस्पर्धक संस्थान ACI की व्यापार सूचकांक करने में आसानी में सबसे ऊपर है। आंध्र प्रदेश टॉप्स एशिया कॉम्पिटिटिवनेस इंस्टीट्यूट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आंध्र प्रदेश हमेशा नंबर वन रहता है, सबको मालूम है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। डन। चलिए, नेक्स्ट, पत्रकार दीनू रानडीव को मंत्रालय और विधानमंडल वृत्तार संघ द्वारा आजीवन उपलब्धि पुरस्कार दिया गया। जर्नलिस्ट दीनू रानडीव रिसीव्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द मंत्रालय एंड विधानमंडल वृत्तार संघ। अगला,
गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय आईएमएफ में मुख्य अर्थशास्त्री ग्रुप में पहली महिला बन गई हैं। गीता गोपीनाथ जो हैं वो आईएमएफ में फर्स्ट वुमेन बन गई हैं। डन, चलिए नेक्स्ट ये लीजिए। अमेजन दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनने के लिए माइक्रोसॉफ्ट से आगे निकल गया है। अमेजन की स्थापना जेफ बेजोस ने 1994 में की है। पूछ सकता है, अमेजन आगे निकल चुका है, जनवरी की बात है। नेक्स्ट, आईसीसी ने यूएसए क्रिकेट को अपने सदस्य के रूप में मंजूरी दे दी है, जिसने फ्लोरिडा में खेले जाने वाले T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए द्वार खोल दिया है। डन, चलिए अगला। बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने एक महिला केवल टैक्सी सेवा शुरू की है, जिसे गो पिंक कैप्स कहा जाता है। गो पिंक कैप्स, पूछ सकता है कहां पर है, बेंगलुरु में है, किसके लिए है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने महिला केवल टैक्सी सेवा, है ना, क्या है ये आपका, बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लॉन्च्ड अ वुमेन ओनली टैक्सी सर्विस कॉल्ड गो पिंक कैब्स। नेक्स्ट ये लीजिए, राज्यसभा ऑन 9th जनवरी 2019 पास द कॉन्स्टिट्यूशन 124th अमेंडमेंट, 124वां संविधान संशोधन करके 10% रिजर्वेशन, जो आपका कौन सा रिजर्वेशन है, 10% रिजर्वेशन मतलब कौन सा, EWS, है ना, इकोनॉमिक बैकवर्ड जो क्लास है हमारा जनरल कैटेगरी में, उसके लिए जो 10% रिजर्वेशन किया था किस अमेंडमेंट से, 124 पूछता है एग्जाम में, किस अमेंडमेंट से किया गया, 124 अमेंडमेंट से किया गया है। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्क स्वैप सुविधा के तहत सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका को $400 मिलियन प्रदान करने में सहमति व्यक्त की है। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कितना डॉलर, पूछ सकता है तो आप बोलोगे $400। नेक्स्ट, भारत का पासपोर्ट 79 नंबर पे है, जिसने 61 प्लेस पर वीजा मुक्त पहुंच थी, किस नंबर पे है, 79 नंबर पे है। चलिए नेक्स्ट ये लीजिएगा, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और पाकिस्तानी कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई ने एक नई किताब लिखी है, जिसका शीर्षक है वी आर डिस्प्लेस्ड। पूछ सकता है कि मलाला की बुक का नाम क्या है, आप बोलोगे वी आर डिस्प्लेस्ड। नेक्स्ट, द आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले की गंगावरम सर्कल पुलिस को 2018 के लिए सर्वश्रेष्ठ अपराधी जांच का पुरस्कार मिला है। द गंगावरम सर्कल पुलिस ऑफ चित्तूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश रिसीव्ड द अवार्ड फॉर द बेस्ट क्राइम डिटेक्शन फॉर 2018। पूछ सकता है, नाम याद रखिएगा। अगला, अजीत मोहन ऑफिशियली टुक ओवर एज अ फेसबुक इंडियाज न्यू वाइस प्रेसिडेंट एंड MD। अजीत मोहन जो है वो आधिकारिक तौर पर फेसबुक इंडिया के नए उपाध्यक्ष और MD के रूप में उन्होंने शपथ ली है। चलिए नेक्स्ट ये लीजिए, भारत के सबसे लंबे 300 मीटर सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने किया, जनवरी की बात है। अगला, पर्यावरण मंत्रालय ने 2024 तक 102 भारतीय शहरों में जहरीले कणों को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP शुरू किया है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। कितने शहर में, 102 शहरों में, इंपॉर्टेंट है, कितने शहरों में, 102 शहरों में, और कहाँ, कब तक खत्म कर दिया गया, 2024 तक। अगला, लिवरपूल के मोहम्मद सलाह को अफ्रीकी फुटबॉलर प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में नॉमिनेट किया गया है। चलिए नेक्स्ट ये लीजिए, केंद्र ने ऊपरी यमुना बेसिन में रेणुका बहुद्देशी बांध के निर्माण को फिर से शुरू करने के लिए 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अगला, वन फैमिली वन जॉब योजना सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चांगनी द्वारा शुरू की गई थी, जिसके तहत हर परिवार के लिए एक सरकारी नौकरी गंगटोक में आवंटित की गई है। ठीक है, जनवरी 2019 की बातें हैं। अगला, 352 प्रकाश उत्सव, है ना, 352 प्रकाश उत्सव जो है, गुरु गोविंद सिंह सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 13 एट पटना साहिब इन बिहार, द बर्थ प्लेस ऑफ गुरुजी। गुरु गोविंद सिंह के 350वें प्रकाश उत्सव 13 जनवरी को बिहार के पटना साहिब में गुरुजी के जन्मस्थल मनाया गया। ठीक है, चलिए 52वां होगा। नेक्स्ट, उद्योगपति और गोदरेज समूह के अध्यक्ष आदि गोदरेज ने ICSI लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आदि गोदरेज को। अगला, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मैं सीधे फटाफट कर रहा हूँ, ताकि आपको भी कम समय में एक महीने का पूरा करंट अफेयर्स कवर हो जाए। नेक्स्ट, सु सेंग चांग को ताइवान के प्रधानमंत्री के रूप में नॉमिनेट किया, नियुक्त किया गया है। कौन बना है ताइवान का प्रधानमंत्री, सु सेंग चांग। अगला, श्री नरेंद्र मोदी, नई दिल्ली में पहली बार फिलिप कोटला राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त किया गया, आदरणीय मोदी जी को नई दिल्ली में फर्स्ट एवर फिलिप कोटला प्रेसिडेंशियल अवार्ड दिया गया है, कहां पर, नई दिल्ली में। अगला, CP जोशी को राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है, CP जोशी। नेक्स्ट, ICC अपॉइंटेड मनु साने एज द ऑर्गेनाइजेशन न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव, ICC ने मनु साहनी को ऑर्गेनाइजेशन का नया CEO अपॉइंट किया है, इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट तमिलनाडु बॉय डी गुकेश दुनिया का दूसरा सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर बन गया है। क्या नाम उनका? डी गुकेश। पूछ सकता है, ग्रैंड मास्टर बन गए हैं दुनिया के सेकेंड नंबर के। अगला, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जल संसाधन और नदी विकास मंत्रालय द्वारा 9वां अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला, ये सब जनवरी की बातें हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द उत्तर प्रदेश कैबिनेट अप्रूव्ड द प्रपोजल टू रिनेम द मुगल सराय रेलवे स्टेशन टू पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। कब हुआ था? जनवरी में हुआ था। मुगल सराय का नाम किस नाम पे? दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे। अगला, ट्रेन 18 जो अपने ट्रायल रन के दौरान 180 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से चली है, वाराणसी से दिल्ली तक की अपनी यात्रा शुरू की। नाम क्या है? ट्रेन 18। कहाँ से? दिल्ली से, वाराणसी से दिल्ली तक। अगला, वसीम जाफर 40 साल की उम्र में दोहरी शतक बनाने वाले पहले एशियाई बन गए हैं। वसीम जाफर क्रिकेटर हैं, बहुत ही शानदार क्रिकेट खेलते हैं, टेस्ट क्रिकेट के खिलाड़ी माने जाते हैं। नेक्स्ट, रानी रामपाल ने स्पेन दौरे के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम का नेतृत्व किया है। अगला, आधार कार्ड 15 और 65 से अधिक भारतीय लोगों के लिए नेपाल और भूटान की यात्रा के लिए वैध यात्रा दस्तावेज है आधार कार्ड। नेक्स्ट, इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर गुरिंदर सिंह खालसा को प्रतिष्ठित रोजा पार्क ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इंडियाज अंकिता रैना, बिल्कुल अंकिता रैना वन इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वुमेन्स टेनिस टूर्नामेंट इन सिंगापुर। भारत की अंकिता रैना ने सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ महिला टेनिस टूर्नामेंट जीता है। ठीक है, कमेंट से एक बार देख लेता हूं। बिल्कुल, मैं जनवरी की बात कर रहा हूं बेटा, मैं जनवरी की बात कर रहा हूं, जनवरी में जो होगा वही कराऊंगा। ठीक है ना, जनवरी में जो होगा वही कराऊंगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए जी लीजिए। नेक्स्ट, ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो को अगर किसी चीज नाम चेंज किया होगा तो हम फरवरी में चेंज किया गया होगा, तो फरवरी में बता दूंगा कि देखो जनवरी में बताया था ऐसा, जनवरी में जो बातें थी वही है। अब जनवरी में कोई चेंज हुआ है वो फरवरी मार्च अप्रैल मई जब भी हुआ होगा वो तब बताऊंगा। नेक्स्ट, ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो को 2020 तक यूनेस्को द्वारा आर्किटेक्चर की विश्व राजधानी के रूप में नॉमिनेट किया गया है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2019 जीता जो पुणे में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से भाजपा के लोकसभा सदस्य अनुराग ठाकुर को एक सांसद के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए संसद रत्न पुरस्कार अवार्ड दिया गया है। संसद रत्न अवार्ड किसको मिला है? अनुराग ठाकुर को, प्रेम सिंह धूमल के बेटे हैं। नेक्स्ट, इंडियन रैंक्ड 80th ऑन ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स रैंकिंग बाय INSEAD बिजनेस स्कूल। किस नंबर पे है? 80वें नंबर पे है। अगला, ये लीजिए, सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय और याद ए जलियन संग्रहालय का उद्घाटन लाल किले नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया था। कब? जनवरी में किया गया था। नेक्स्ट, मोहम्मद शमी सबसे तेज 101 दिवसीय विकेट तक पहुंचने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। सबसे जल्दी 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? मोहम्मद शमी। ठीक है, अगला, ब्लूमबर्ग 2019 इनोवेटिव इंडेक्स के अनुसार भारत दुनिया के सबसे नवीन देशों में 54वें स्थान पर है। रैंकिंग पूछता है, रैंकिंग जनवरी की है। अगला, इंडिगो एयरलाइंस अपॉइंटेड एविएशन प्रोफेशनल रोनोजॉय दत्ता को अपना नया CEO बनाया है। इंडिगो एयरलाइंस ने रोनोजॉय दत्ता को अपना पहला CEO बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट, ये लीजिए, 9th नेशनल वोटर्स डे वाज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्रीज ऑन 25th जनवरी फॉर इन्हांसिंग पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजनशिप इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए 9वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस को देश भर में 25 जनवरी को मनाया गया। आपको मालूम 25 जनवरी को मतदाता दिवस होता है। नेक्स्ट, इंडिया अफ्रीका फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज IAFTX 2019 वॉज हेल्ड इन पुणे। अगला, द सेलिब्रेशन ऑफ द 15th प्रवासी भारतीय दिवस, 15वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये वाराणसी में सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, और इसका इस बार थीम क्या था? इसका थीम था इस बार क्या कि रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन बिल्डिंग न्यू इंडिया। पूछा ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। अभी जनवरी के बाद जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें 2-3 बार क्वेश्चन ने पूछा है कि प्रवासी भारतीय दिवस का जो थीम था क्या था, रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन बिल्डिंग न्यू इंडिया। नेक्स्ट, पीयूष गोयल वॉज अपॉइंटेड एज द एंटरिम फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्टर बिकॉज ऑफ अरुण जेटलीज हेल्थ इश्यूज। जनवरी में पीयूष गोयल को बनाया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैं PDF दे दूंगा तो PDF पढ़ लेंगे, YouTube क्लास नहीं देखेंगे। हो सकता है PDF ना भी दूं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आप ये सोचोगे आप PDF पढ़ लोगे YouTube क्लास ना देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, PDF नहीं दूंगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इंडियन बिकम द 16th कंट्री इन द वर्ल्ड टू ऑफर प्रोटोन थेरेपी फॉर कैंसर आफ्टर लॉन्चिंग अपोलो प्रोटोन कैंसर सेंटर इन चेन्नई तमिलनाडु।
डन। चलिए नेक्स्ट, सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह को देश के शाही परिवारों के सदस्यों द्वारा मलेशिया के नए राजा के रूप में चुना गया था जनवरी में। अगला, नजीर अहमद वानी को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था काश्मीर में आतंकवाद विरोधी रक्षा में उनकी भूमिका के लिए, किसको, नजीर अहमद वानी को। नेक्स्ट, ये सब जनवरी की कहानी है, सारी की सारी जनवरी की कहानी है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल, एक एयर टू सतह मतलब हवा से जमीन में मारने वाली मिसाइल जो है, इसका हैदराबाद के बालासोर में मिसाइल परीक्षण रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट, आदित्य जगताप ने बॉर्बन ट्रेल चैलेंजर टूर में अपना तीसरा प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन खिताब जीता है। अगला, एच एंड रन कप अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड एयर राइफल स्पर्धा में श्रृंका संदगी और अखिल सेरोन ने गोल्ड मेडल जीता है। ये सब सारी बातें जनवरी की हैं। नेक्स्ट, ये लीजिए, नेक्स्ट क्या है, अगला है कि नारी शक्ति इज द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2018। जो नारी शक्ति वर्ड है वो 2018 के लिए वर्ष का ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हिंदी वर्ड माना गया है। अगला, मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में कमजोर वर्ग के युवाओं के लिए युवा स्वाभिमान योजना की शुरुआत की है, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। अगला, कार्तिक शर्मा ने न्यू साउथ वेल्स मेन्स एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप जीती है, किसने, कार्तिक शर्मा ने। अगला, सुमन कुमारी पाकिस्तान में सिविल जज के रूप में नियुक्त होने वाली पहली हिंदू महिला बनी है, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स ट्रेवल्स 2019 में भारत को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए का पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला है कि विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस 30 जनवरी 2019 को मनाया गया था। वर्ल्ड लेप्रेसी इराडिकेशन डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 30 जनवरी। इसका विषय था भेदभाव, कलंक और पूर्वाग्रह, ठीक है, एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन स्टिग्मा एंड प्रेजुडिस। अगला, ग्लोबल करप्शन इंडेक्स में 180 देशों में इंडिया किस नंबर पे है, 78 नंबर पे है। नेक्स्ट, पीयूष गोयल को नई दिल्ली में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से स्थायी ऊर्जा समाधान की दिशा में उनके काम के लिए कारनोट अवार्ड दिया गया था, कब दिया गया था, जनवरी में दिया गया था। अगला, कुमार राजेश चंद्रा को SSB का DG अपॉइंट किया गया था, कब, जनवरी में, बाद में अगर चेंज हुआ होगा तो बाद में बताऊंगा, चिंता मत करना। नेक्स्ट, चित्रा मुदगल को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किसको, चित्रा मुदगल को। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में विश्व का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनाए जाने की घोषणा की गई है, इस एक्सप्रेसवे का नाम क्या है, गंगा एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट है कि आपका दुबई का हवाई अड्डा विश्व का सबसे अधिक व्यस्त रहने वाला हवाई अड्डा बन गया है, डन। चलिए अगला, ये देखिए, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा हाल ही में जारी एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार स्टील उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा नंबर है, सेकंड नंबर है। नेक्स्ट, लंदन की कंसल्टेंसी फर्म ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी रिपोर्ट में टाटा ग्रुप कंपनी को भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी घोषित किया गया है। अगला, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी को वर्ष 2019 में भारत रत्न के रूप में नॉमिनेट किया गया है, ठीक है। अगला, पहले जापानी महिला टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओशाका हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 का खिताब जीत लिया है, जापान की बहुत फेमस लड़की है। नेक्स्ट है कि नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीत लिया है, ठीक है। अगला, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल इंडोनेशिया मास्टर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला सेटलर बन गई है। नेक्स्ट, ये देखिए, रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि शारीरिक रूप से अक्षम पूर्व सैनिकों और उनके परिवार को प्रति माह कम से कम 18,000 रुपये पेंशन दी जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लुप्तप्राय प्रजाति की हम्प बैक डॉल्फिन को बांद्रा वर्ली समुद्र लिंग के समीप देखा गया है। नेक्स्ट, प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस सेलिब्रेट किया जाता है और 25 को वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगला, भारत के छात्रों द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे छोटे और हल्के सैटेलाइट का नाम जिसे इसरो ने प्रक्षेपित किया उसका नाम क्या है, कलाम सेट नाम है इसका। चलिए तो इतना ही था भाई साहब, जनवरी का जितना भी करंट अफेयर्स था, जनवरी का जितना भी करंट अफेयर्स था आपका, ये लगभग अप्रॉक्सीमेटली कितना था, 150 लाइंस थी, 130-140 लाइन के आसपास था। 140 लाइंस अगर आपने कर लिया, आप एक काम कीजिएगा, इसमें कुछ चीज़ें और छूटी हैं मुझे मालूम है, तो अगर आप सपोर्ट कीजिएगा तो फरवरी के पहले लेकर आ जाऊँगा, सीधी सी बात है। अगर आप सपोर्ट करोगे, वीडियो शेयर, अभी मैं डाटा चेक करूँगा, मैं 2 घंटे के अंदर डाटा चेक करूँगा, सीधी सी बात है यार। देखो, मैं अगर इतनी मेहनत से अगर बनाता हूँ ना और तबीयत खराब होने के बावजूद पढ़ाता हूँ, तो इतना आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ, इतनी उम्मीद करता हूँ, मैं 2 घंटे बाद डाटा चेक करूँगा, जितने व्यूज होंगे अगर उसका 50% बच्चों ने शेयर किया होगा, फरवरी करंट अफेयर मैं जल्दी से जल्दी बना दूंगा, चाहे रात भर जागना पड़ जाए, कल हो चाहे परसों हो चाहे नरसों, 2-3 दिन के अंदर फरवरी का पूरा करंट अफेयर आपको दे दूंगा, जल्दी जल्दी 1 महीने के अंदर पूरा
9 महीना 10 महीने का पूरा करंट अफेयर्स फिनिश किया, देन उसके बाद फिर जाऊंगा जनवरी में, और यहाँ पर जो चीज़ छूटी है ना उसको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में करा दूंगा। तो याद रखना, एक क्लास ये होगी जनवरी की और एक क्लास जनवरी की और होगी एक महीने के अंदर, और दोनों अगर आपने कर लिया तो जनवरी का आपका 150 लाइंस ये हो गया, और 100 के आसपास क्वेश्चन करा दूंगा, तो आपका कितना हो जाएगा 150 प्लस 100 250, इससे ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं होता है। 250 मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस अगर आपने कर ली, आपका एक भी सिंगल करंट अफेयर्स बाहर नहीं जाएगा, मैं दावे से बोल सकता हूँ। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर मैं आपको इतनी मेहनत से करा सकता हूँ, इतनी मेहनत से रात रात जाकर पीपीटी बना सकता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट तक दे सकता हूँ, तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप इसकी कदर करें। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।